फ्रेंड्स, वेलकम इन आरजी नर्सिंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं स्टाफ नर्स क्यूज 32 के बारे में, जिसमें टॉप 25 क्वेश्चंस है और ये एम्स 2016 का पेपर है, उसके क्वेश्चंस है। तो आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 से, जिसमें से एक से दो क्वेश्चंस आपको सोल्व करने के लिए दिया जाएगा, ओके। और उसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 से। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरो ट्रांसमीटर इज डेफिशिएंट इन डिप्रेशन। कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर है जो डिप्रेशन के अंदर डिक्रीज रहता है, डेफिशिएंट रहता है? सीरोटोनिन, 5-HT, बोथ ए एंड बी, एंड लास्ट इज गाबा। तो इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, जिसमें डिप्रेशन के अंदर सीरोटोनिन एंड 5-HT का लेवल डिक्रीज रहता है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53। नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन द ईयर। तो नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1958, ओके। 1958 के अंदर नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54। द मोस्ट कॉमन साइकोथेरेपी यूज टू हेल्प ए पर्सन विथ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इज। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के अंदर मोस्ट कॉमन साइकोथेरेपी कौन सी यूज की जाती है? बिहेवियर मॉडिफिकेशन, ट्रांसेक्शन थेरेपी, एब्रिएक्शन एंड फ्लोडिंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिहेवियर मॉडिफिकेशन थ्योरी, ओके। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के अंदर बिहेवियर मॉडिफिकेशन साइकोथेरेपी यूज की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55। द वैक्सीन्स दैट लीव परमानेंट स्कार इन बेबीज इज। कौन सी वैक्सीन है जो कि परमानेंट स्कार बेबी के अंदर छोड़ देती है, मतलब निशान मार्क्स रह जाता है? मीजल्स, पेंटावेलेंट्स, DPT एंड BCG। तो BCG एक ऐसी वैक्सीन है जिसके द्वारा एक स्कार का फॉर्मेशन हो जाता है और ये परमानेंट रहता है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56। आइडेंटिफाई द एज इंडिपेंडेंट इंडिकेटर्स ऑफ माल न्यूट्रिशन एमोंग द फॉलोइंग। मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस, शक्ति टेप मेथड्स एंड बेंगल्स टेस्ट एंड ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है, ओके। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चंस आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 56, ओके। दो क्वेश्चंस आपके लिए हैं, एक क्वेश्चंस 56। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57। विच एमोंग द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज इन फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर कौन सी टेक्निक्स यूज की जाती है? इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन एंड ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58। व्हाट इज द थीम फॉर 2016 वर्ल्ड हेल्थ डे। तो 2016 वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम कौन सी है, ओके। तो ये 2016 का क्वेश्चन है, इसलिए इसमें 2016 की थीम पूछी गई है। और अब 2019 का जो पेपर होगा एम्स का, उसके अंदर 2019 के अंदर जो वर्ल्ड हेल्थ डे थीम थी वो पूछी जाएगी, ओके। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं। ऑप्शन है हार्ट द राइस बीट डायबिटीज़, फूड सेफ्टी, एंड नेक्स्ट इज वेक्टर बोर्न डिजीज स्मॉल बाइट्स विद थ्रेट्स, एंड लास्ट इज हेल्थी हार्ट बीट हेल्थी ब्लड प्रेशर। तो इसका राइट आंसर 58 का ऑप्शन ए, हार्ट द राइस बीट डायबिटीज, ओके। अब ये है क्वेश्चन नंबर 58, जिसमें 2016 की थीम पूछी गई है।
और आपको बताना है 2019 की जो वर्ल्ड हेल्थ डे था 2019 के अंदर, ओके, उसकी थीम आपको बतानी है कमेंट्स बॉक्स में, ओके। उसका मैं क्वेश्चंस पहले भी एक दो बार क्यूज में सोल्व करवा चुका हूँ और थीम के बारे में बताया है, तो आई थिंक आपको इसका आंसर सही तरीके से आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59, विच इम्यूनिटी इज अफेक्ट बाय एच आई वी इन्फेक्शन के द्वारा कौन सी इम्यूनिटी अफेक्ट होती है? नेचुरल इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, सेलुलर इम्यूनिटी एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो एचआईवी के द्वारा कौन सी इम्यूनिटी अफेक्ट होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सेलुलर इम्यूनिटी, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60, द साइज ऑफ इंट्रावेनस कैनुला यूज फॉर नियोनेट्स इज। तो नियोनेट्स के अंदर इंट्रावेनस कैनुला की साइज कितनी होती है? 18 गेज, 20 गेज, 22 गेज एंड 24 गेज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 24 गेज, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61, विच विटामिन हेल्प इन वुंड हीलिंग। कौन सा विटामिन है जो वुंड हीलिंग के लिए हेल्पफुल होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई एंड विटामिन के। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विटामिन सी, जो कि वुंड हीलिंग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62, द एक्वस कंपोनेंट्स ऑफ द सेल विद इन विच वेरियस ऑर्गेनल्स एंड पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड इज। ऑप्शन है सिस्टोल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड साइटोब्लास्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, न्यूक्लियस, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग लोकिया फाइंडिंग इज एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 आवर्स पोस्ट डिलीवरी। कौन सा लोकिया है जो डिलीवरी के बाद में फाइंडिंग होता है, एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 आवर्स पोस्ट डिलीवरी, ओके। किस प्रकार का लोकिया आफ्टर डिलीवरी 24 आवर्स दिखाई देता है? एब्सेंस ऑफ लोकिया, ए ग्रेनिश डिस्चार्ज विथ फाउल ऑडर, ब्राइट रेड कलर एंड लार्ज क्लॉट विथ लोकिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्राइट रेड कलर, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड वाज कन्फर्ड ऑन मिस्टर किरण बेदी, ओके। यहाँ पे है किरण बेदी, ओके, मिस्टर नहीं, यहाँ पे किरण बेदी, ओके। गोल्डन ग्लोब्स, रानी लक्ष्मी और मैग्सेसे एंड सरस्वती। तो कौन सा अवार्ड कन्फर्ड हुआ था किरण बेदी को? तो वो है राइट आंसर ऑप्शन सी, मैग्सेसे पुरस्कार, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65, विच लोब इज मोस्ट कॉमनली अफेक्ट इन चिल्ड्रन विथ पल्मोनरी एटेलेक्टेसिस। जब पल्मोनरी एटेलेक्टेसिस हो जाता है चिल्ड्रन के अंदर, तो कौन सा लोब, लंग्स का कौन सा लोब है जो कॉमनली अफेक्टेड होता है? राइट अपर लोब, राइट लोअर लोब, लेफ्ट अपर लोब एंड लेफ्ट लोअर लोब, ओके। तो 65 का आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि कौन सा लोब सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है जब पल्मोनरी एटेलेक्टेसिस हो जाता है एक चिल्ड्रन के अंदर, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, बुल इज रिलेटेड टू काउ। बुल काउ से रिलेटेड है इन द सेम वे, इसी प्रकार हॉर्स इज रिलेटेड टू। हॉर्स किससे रिलेटेड होगा? एनिमल, मेयर, स्टेबल एंड मीट।
ओके, तो ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है और इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मेयर। ओके, जिस प्रकार बुल काउ से रिलेटेड है उसी प्रकार मेयर हॉर्स से, हॉर्स मेयर से रिलेटेड होता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, अब ये जो बुल है, बुल होता है एक सांड, ओके, और काउ होती है गाय, हॉर्स होता है घोड़ा और मेयर्स होती है घोड़ी। ओके, इसी प्रकार इसको आंसर बताया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड्स ऑफ टीचिंग, कौन सा टीचिंग मेथड सबसे मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है। ऑप्शन है सेमिनार, डेमोन्स्ट्रेशन, डिस्कशन एंड लेक्चर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी लेक्चर मेथड्स। ओके, लेक्चर मेथड जो सबसे मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68, नेम ऑफ द स्क्रीन दैट रिकॉग्नाइज टच इनपुट इज, उस स्क्रीन का नाम बताना है जो कि टच इनपुट को रिकॉग्नाइज करती है। रिकॉग स्क्रीन, पॉइंट स्क्रीन, टच स्क्रीन एंड लास्ट इज एंड्रॉयड स्क्रीन। ओके, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी टच स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग डायग्नोसिस इज ए प्रायोरिटी फॉर ए पेशेंट डायग्नोसिस विथ न्यूमोनिया, एक न्यूमोनिया का पेशेंट है उसके अंदर प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस कौन सा होगा, फ्लूड वॉल्यूम डेफिसिट, इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज, इन इफेक्टिव कोपिंग एंड लास्ट इज रिस्क फॉर इन्फेक्शन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज। ओके, एक न्यूमोनिया का पेशेंट होगा तो उसका जो नर्सिंग डायग्नोसिस होगा वो है इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, इन वन केस इट इज ऑब्जर्व दैट पेशेंट हु इज शेड्यूल्ड फॉर सर्जरी डिड नॉट प्रॉपरली अंडरस्टैंड द फिजिशियन एक्सप्लेनेशन, एक पेशेंट है उसको सर्जरी के लिए शेड्यूल्ड किया गया है। ओके, और वह पेशेंट जो सर्जरी होनी है जिस पेशेंट की, उसको फिजिशियन जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है सर्जरी के बारे में, उसको कुछ भी समझ में नहीं आया प्रॉपरली। ओके, द पेशेंट इज नाउ वॉरिड, पेशेंट वॉरिड है एंड आस्किंग क्यूरीज, और नर्स से क्यूरीज करता है कि विच एमोंग द फॉलोविंग्स वुड बी द राइट एक्शन टू बी टेकन, तो नर्स कौन सा एक्शन लेगी कौन सा राइट एक्शन लेगी जब पेशेंट को कुछ भी समझ में नहीं आया कि उसकी क्या सर्जरी होने वाली है, वो सर्जरी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो ऑप्शन है एक्सप्लेन द सर्जरी प्रोसीजर्स एंड द रिस्क इन्वॉल्व। नेक्स्ट है कैंसिल द सर्जरी, सी आस्क द सुपरवाइजर आरएन रजिस्टर्ड नर्स टू एक्सप्लेन द सर्जरी प्रोसीजर एंड लास्ट इज नोटिफाई द फिजिशियन। ओके, तो इसका राइट आंसर है नोटिफाई द फिजिशियन, फिजिशियन को नोटिफाई करना है अगर कुछ भी पेशेंट को समझ में नहीं आ रहा है तो। ओके, क्योंकि वह प्रोसीजर्स के बारे में डॉक्टर ही बता सकता है, नर्स का काम ये नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71, विच एमोंग द फॉलोइंग ड्रग इज सूटेबल इन केस ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, कौन सी सूटेबल ड्रग्स है जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के केस में यूज की जाती है, सूटेबल होती है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो वो है बी क्लोमीप्रामाइन। ओके, क्लोमीप्रामाइन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, विच वन ऑफ दीज आल्सो नोन एज रीड राइट मेमोरी, कौन सी मेमोरी है जिसको रीड एंड राइट मेमोरी के नाम से जाना जाता है, रोम, रैम, डीवीडी एंड हार्ड डिस्क। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको रीड भी किया जा सकता है और राइट भी किया जा सकता है।
और एक होती है रोम जिसको ओनली रीड किया जा सकता है, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज बोन फॉर्मिंग सेल, कौन सी एक बोन फॉर्मिंग सेल होती है। ऑप्शन है फिब्रिन ओब्लास्ट, फिब्रिनोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोक्लास्ट एंड ऑस्टियोब्लास्ट। ओके, तो इसका आंसर आपको कमेंट्स में बताना है। ओके, दो क्वेश्चंस आपके लिए हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज एसोसिएटेड विथ इंक्रीज इंट्राओक्यूलर प्रेशर, कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर आईओपी इंट्राओक्यूलर प्रेशर इंक्रीज रहता है। कैटारेक्ट, कंजेक्टिवाइटिस, राइनाइटिस, सॉरी रिटेनाइटिस एंड ग्लूकोमा। तो जो ग्लूकोमा है उसके अंदर इंट्राओक्यूलर प्रेशर इंक्रीज रहता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर न्यूरोट्रांसमीटर एक्सेप्ट, तो कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर इनमें से नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक्सेप्ट पूछा गया है कि न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है, और एक्सेप्ट पूछ लिया मतलब कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर नहीं होता है। डोपामाइन, गाबा एंड सीरोटोनिन एंड लास्ट इज ट्रोपोनिन। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ट्रोपोनिन। ओके, ट्रोपोनिन एक कार्डिक मार्कर होता है, ना कि एक न्यूरोट्रांसमीटर। ओके, और इसमें जो डोपामाइन है, गाबा है एंड सीरोटोनिन है, ये एक न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, और ट्रोपोनिन एक कार्डियक मार्कर होता है। ओके, तो ये है क्यूज 32 जिसमें अपन बात कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 76 तक। नेक्स्ट क्यूज में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 77 से 100 तक। ओके, और क्यूज पूरा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा नेक्स्ट क्यूज के अंदर। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।